आई होप गाइज आपको इसकी डिटेल्स पसंद आई होगी, बाइक पसंद आई होगी जो कि हीरो एक्सट्रीम स्टील्थ मॉडल में 2.0 में जो हमें फैसिलिटी मिल जाती है, फीचर्स मिल जाते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे मेन जो इसकी सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट है, आपको आगे से बॉडी ऐसे डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्टेबली लॉन्ग राइड भी कर सकते हो उस पर। अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, चलाने में भी मज़ा आ रहा है बाइक को, काफ़ी रिफाइंड इसका इंजन है, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा बाइक चलाने में। और सबसे मेन ये है कि इस बाइक के अंदर जो गियर हैं वो बहुत ही स्मूथ चढ़ रहे हैं, बाकी गियर इंडिकेशन हमको दिख रही है प्रॉपर, टाइम इसमें अभी सेट होना है। और बात करते हैं हीरो कनेक्ट की, तो जब आप ये बाइक परचेज करते हो तो हीरो कनेक्ट की आप एप्लीकेशन में जाके बाइक को कनेक्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साल की सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिल जाती है हीरो की तरफ से। बाकी नकल गार्ड से काफ़ी लुक जो है मुझे, मतलब एक तरह से जो डैशबोर्ड है काफ़ी भारी भारी से लग रहा है देखने में, मतलब दिखने में भारी है, बाकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा मैं स्मूथ रहने वाली है, काफ़ी निम्बल है, मतलब ट्रैफिक में हाईवे पर आराम से आप इसको बाइक को मनूवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रंट में जो टेलीस्पोक सस्पेंशन वो भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी रिस्पांस जो है थ्रॉटल का वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या बात है। तो जब आप इसे खींचते हो या इसे पुल करते हो, जैसे गियर शिफ्ट करोगे तो एक अलग ही आपको फोर्स जो है वो फील होगी, ये देख रहे हो इंजन में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल, मतलब फुटपैक पे भी जो है बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, ना हैंडल बार पे आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। हो करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ, वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के लिए गया हूँ हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील्थ मॉडल जो कि 2.0 रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है देखने में, वो तो आपको पता ही है। बाकी बात करें अभी नया अवतार क्या है, नया अवतार जो है मेन जो है वो इसी कलर स्क्रीन है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कंपनी ने एड ऑन कर दी है, काफ़ी अच्छी इसकी जो सीट दी है कंफर्ट, मतलब पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्ट रहने वाली है ये सीट, तो सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आपको पता है कि ये जो बाइक है 160cc में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बोलूँगा, फर्स्ट इन सेगमेंट बोलूँगा, क्योंकि ये जो बाइक है ये 0 से 60 की स्पीड कवर करती है 4.7 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मतलब 5 सेकंड से भी पहले ये 60 स्पीड जो है कवर कर लेती है, बहुत अच्छी बात है, मतलब 160cc के हिसाब से बहुत ही पावर जनरेट करता है इसका इंजन, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया, मैं इसको राइड करके आया हूँ, इवन मैं अभी राइड रिव्यू आप लोगों से शेयर करूंगा। तो अभी बात करते हैं इसके फीचर्स की, कि इसमें कंपनी ने क्या क्या अभी जो है मेन अभी एड ऑन किया है। ये नज़र मारेंगे दोस्तों यहाँ पर ये नकल गार्ड जो है जिसमें हीरो की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल रही है देखने को, तो यहाँ पर जो है ना अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है स्टील मॉडल उसमें जो है नकल गार्ड एड ऑन कर दिए, जिससे क्या है काफ़ी स्पोर्टी लुक निकल कर आ रहा है और काफ़ी अच्छा लुक निकल कर आ रहा है, जो बात है काफ़ी बल्की लग रही है बाइक देखने में। और साथ के साथ इसमें जो हेली श्राउड जिसे बोलते हैं वो यहाँ पर एड ऑन हो गया, देख सकते हैं आप, जो इसको इंजन कवर ही बोलते हैं काफ़ी लोग, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे एथलेटिक इन्वर्टर जो है उसके साइड में जो है बैली काफ़ी अच्छी जो है इसमें ग्राफिकिंग करी गई है, देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी डिसेंट लग रही है और मुझे पर्सनली पसंद आ रही है। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये, और ये नकल गार्ड, ठीक है जी। बाकी बात करें इसकी कलर स्कीम की, तो भाई ये जो कलर स्कीम है देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा जो है ये कलर कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है यहाँ पर रेड एंड ब्लैक का, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आ रहा है। टायर पर भी स्टिकर की स्ट्रिप मिल जाएगी, कि जो टेलीस्पोक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में उसमें भी देखो रेड स्कीम मिल जाएगी देखने को, जहाँ पे ABS की बैजिंग मिल जाती है अपने को, सिंगल चैनल ABS रहने वाला है, ठीक है जी। और बाकी पैटल डिस्क ब्रेक मिल जाती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी, फोक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलूँगा मैं काफ़ी हैवी है, मतलब बिल्कुल एकदम पतले पतले से देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी बात करें पूरे के पूरे सेटअप की, तो वो रहने वाला है LED, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, मतलब हेडलैम्प जो है वो भी LED रहने वाला है, इंडिकेटर्स जो है टर्न इंडिकेटर्स वो भी हमारे LED रहने वाले हैं, बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि फुल्ली डिजिटल मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी की ऑन करके कुछ इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, तो फुल्ली जो है डिजिटल मीटर मिल जाता है, साथ में इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट रहने वाला है,
इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्राइटनेस जैसी कंट्रोल हो रही है कुछ इस तरीके से। देखो ये हो गया 80, 60, 40, 20, ठीक है। अगेन ये 100, तो मैंने अभी 100 पे सेट कर दिया है। तो फर्स्ट इन सेगमेंट है ब्राइटनेस कंट्रोल, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर। बाकी बात करें स्क्रीन की, गियर इंडिकेशन जैसे कि आपको एन दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें गियर अप्लाई करता हूँ, अभी गियर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये बाइक स्टार्ट नहीं है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये बाइक मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही मैं गियर डालता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट आ जाता है, देन ये सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट इन सेगमेंट रहने वाला है जिसमें हमको गियर इंडिकेशन की यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट रहने वाला है। यहाँ पर जो है ना आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है हैंडल बार के जस्ट नीचे ही। आपको देखो काफ़ी अच्छी जगह जो है यूएसबी पोर्ट को प्लेस करा गया इस बार, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पे ये मिल जाता है फर्स्ट इन सेगमेंट। बाकी इसके अंदर जो हजार सिस्टम की, तो हजार सिस्टम भी बाई डिफॉल्ट कंपनी से मिल जाता है यहाँ पे आपको, ये देख सकते हैं आप। कि इसके अंदर जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फैसिलिटी मिल जाती है, बैंक एंगल सेंसर भी मिल जाता है हमारे को, एक्सटर्नल जो ग्रैब रेल्स होते हैं दोस्तों वो मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड ना देकर इन्होंने एक्सटर्नल दिया हीरो ने। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि काफ़ी लुक को एनहेंस कर रहे हैं और लुक जो है काफ़ी चंकी लग रहा है पीछे से जो बात है। बाकी इसके अंदर न्यू सीट फॉर बेटर पिलियन कम्फर्ट, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, इसके अंदर हमारे पिलियन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीट मिल जाती है। मतलब अब राइडर के लिए नहीं कम्फर्ट होगा, पिलियन के लिए भी कंफर्ट यहाँ पे पूरा पूरा मिलने वाला है आपको दोस्तों। बाकी बात करें कलर स्कीम की, तो ये रहने वाली है एक्सट्रीम 160R स्टील्थ 2.0, जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक तो पहले से ही था, बट अब जो ये स्कीम यूज़ करी है हीरो ने, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई होप गाइज आपको इसकी डिटेल्स पसंद आई होगी, बाइक पसंद आई होगी, जो कि हीरो एक्सट्रीम स्टील्थ मॉडल में 2.0 में जो हमें फैसिलिटी मिल जाती है, फीचर्स मिल जाते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके राइडिंग क्वालिटी की, कैसी रहने वाली है क्वालिटी, कितना रिफाइंड इंजन हीरो करके दे रहा है हमारे को 160R स्टील 2.0 में, ठीक है दोस्तों। फटाफट से मैं पहले बात करूं सीटिंग पोजीशन की, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अपराइट पोजीशन रहने वाली है। मतलब कि हैंडल बार दिखने में तो काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी डाउन लगेगा, बट ऐसे पकड़ने में जब आप उसको होल्ड करते हो हैंडल को, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी बॉडी जो है वो आगे से डाउन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अपराइट पोजीशन रहने वाली है। बाकी यहाँ पर जो है बटन एक ही में इंटीग्रेटेड दे दिया है, सेल्फ एंड किल स्विच, ठीक है जी। ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका किल स्विच, डाउन कर देंगे तो आपका सेल्फ स्टार्ट बाइक हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो बाइक अपनी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट है। और एक्सेलेटर जो है मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स सेंसर है, वो अच्छा वर्क कर रहा है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है जो बात है, मतलब फील करा रहा है एक्सीलेटर जो है वो पूरा पूरा फील करवा रहा है कि हाँ ये बाइक कितनी अग्रेसिव है चलने में भी। बाकी रिफाइनमेंट की बात करूँ तो वाइब्रेशन बिल्कुल भी देखने को मिल रही, आरपीएम जो है इसका 6000 प्लस हो जा रहा है हल्का सा थ्रॉटल देते ही, इट मीन्स ये काफ़ी अग्रेसिव है बाइक। बाकी हज़ार सिस्टम का बटन यहाँ मिल जाता है कंपनी से बाई डिफॉल्ट, इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा हज़ार इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो जाता है, इसकी लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी मीटर के अंदर सारी डिटेल मिल जाती है, ऊपर मिल जाता है हमें आरपीएम, नीचे हमें मिल जाती है स्पीड, इधर मिल जाता है हमें किलोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ मिल जाता है ओडो, जो कि जीरो रहने वाला है बिकॉज अभी रिव्यू कर रहे हैं, तो इसका वायर निकाला हुआ है मीटर का, दैट्स वाई यहाँ पे जीरो मिल जाएगा किलोमीटर। बाकी ट्रिप ए जीरो ट्रिप बी जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। बाकी यहाँ पे टाइम मिल जाता है दोस्तों, जो कि अभी सेट नहीं है। यहाँ पे गियर इंडिकेशन मिल जाती है, ठीक है जी, और यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे जो है हमारा आरपीएम मार रहा है ऊपर, ठीक है। राइड करते हैं, फर्स्ट गियर इसका आगे, देन बाकी पीछे रहने वाले दोस्तों। तो जब मैं गियर जब अप्लाई करता हूँ तो कोई ऐसा मुझे एक होता है ना झटका आउट का, वो देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथली जो है गियर शिफ्ट हो रहे हैं इसके। बाकी चलते हैं, तो जैसे ही मैं इसको उठा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर जो है मेरे को फील हो रही है जो बात है दोस्तों, और काफ़ी इंजन जो है वो रिफाइंड है इस बाइक का। सो गाइस बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील 2.0 कैसी चलती है। तो अभी सीन ये है कि मैं इसको चला रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बात करें बैलेंसिंग की, तो काफ़ी अच्छा इसकी बैलेंसिंग रहने वाली है, काफ़ी निम्बल है ये बाइक, और सबसे मेन जो इसकी सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट है, आपको आगे से बॉडी ऐसे डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्टेबली लॉन्ग राइड भी कर सकते हो उस पर। सीट जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड है, और प्लस इसका जो कुशन है सीट का वो बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा सीट हार्ड है, एकदम अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, चलाने में मज़ा आ रहा है बाइक को, काफ़ी रिफाइंड इसका इंजन है, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा बाइक चलाने में। और सबसे मेन ये है कि इस बाइक के अंदर जो गियर जो उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ चढ़ रहे हैं, कहने को नई बाइक है
थोड़े से हार्ड डालने चाहिए थे गेट, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे देखने को मिल रहा, क्योंकि हीरो ने अच्छे से इसका गियर बॉक्स जो है वो एकदम से बोलते हैं ना रवा करके रखा है भाई। जो बात है गियर डालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे बिल्कुल भी फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा गियर उतारने और चढ़ाने में। बाकी बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग आप देख रहे हो किस तरीके से ब्रेक वर्क कर रही है। ABS मिलता है फ्रंट में देखने को, रियर में ABS नहीं मिलता है अपने को, तो सिंगल चैनल ABS रहने वाला है। उसके बावजूद ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है फ्रंट की, तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है। अभी क्या है कि ABS की लाइट जो है यहाँ पे ब्लिंक होती दिखाई दे रही होगी आपको मीटर में, बिकॉज अभी वायर निकला हुआ है, दैट्स वाई ABS भी काम नहीं कर रहा है और अपना स्पीडोमीटर जो है वो भी काम नहीं कर रहा है। बाकी गियर इंडिकेशन हम आपको दिख रही है प्रॉपर, टाइम इसमें अभी सेट होना है। बात करते हैं हीरो कनेक्ट की, तो हीरो कनेक्ट में हमको तीन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। पहला रहने वाला है सेफ्टी, सेफ्टी के अंदर हमको मिलता है टॉपल अलर्ट्स, जो कि कभी भी आपकी बाइक टॉपल होती है तो आपको नोटिफिकेशन और SMS मिल जाएगा। दूसरा मिलता है व्हीकल सिक्योरिटी का, जिसमें हमको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा लाइव ट्रैकिंग का, दूसरा होता है टू वे अलर्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया, एंड तीसरा होता है जियो फाइनेंस अलर्ट, वो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। कभी भी बाइक मूव होती है तो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। एंड थर्ड में मिलता है हमको ड्राइविंग रिपोर्ट, जिसमें हम अपने लास्ट 6 मंथ की जो है अपनी ड्राइविंग मतलब राइड की एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ गए थे, कितने किलोमीटर हुआ और कितना टाइम लिया, तो ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं हीरो कनेक्ट में। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे हीरो कनेक्ट में, जो हीरो में प्रोवाइड कर रही है हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील 2.0 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी नकल गार्ड से काफ़ी लुक जो है मुझे मतलब एक तरह से जो डैशबोर्ड है काफ़ी भारी भारी से लग रहा है देखने में, मतलब दिखने में भारी है। बाकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बोलूँगा मैं स्मूथ रहने वाली है, काफ़ी निम्बल है, मतलब ट्रैफिक में हाईवे पे आराम से आप इसको बाइक को मनूवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रंट में जो टेलीस्पोक सस्पेंशन डाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रियर में हमें मोनोशॉक मिल जाता है, वो भी बढ़िया काम कर रहा है। बाकी रिस्पांस जो है थ्रॉटल का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है दोस्तों, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर दे रहा हूँ बाइक उसी हिसाब से परफॉर्म कर रही है। जो बात है हॉर्न यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्या बात है। तो जैसे ही आप इसको उठाते हो 4000 RPM पे जाती है तो एकदम अग्रेसिव हो जाती है, बहुत गंदे वाली, जो बात है भाई साहब। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, तो जब आप इसे खींचते हो या उसे पुल करते हो, जैसे गियर शिफ्ट करोगे तो एक अलग ही आपको फोर्स जो है वो फील होगी, एक पावर जो है वो महसूस हो जाएगी कि हाँ भाई कुछ चला रहे हो आप। मतलब बिल्कुल भी देखने में नहीं लगेगा, चलाने में नहीं लगेगा कि आप 160cc की बाइक राइड कर रहे हो, ऐसा लगेगा 180 या फिर 200cc बाइक चला रहे हो आप। बाकी एयर कूल इंजन होने के हिसाब से काफ़ी अच्छा इंजन जो है ट्यून करा गया है हीरो की तरफ से, बहुत ही अच्छा काम करा है इसमें, काफ़ी इंजन जो है स्मूथ है। वाइब्रेशन ये देख रहे हो, इंजन में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल, मतलब फुट पैक पे भी जो है बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, ना हैंडल बार पे आ रही है, और अपराइट पोजीशन रहने वाली है इसकी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। टेक अ टेस्ट राइड, शेयर योर एक्सट्रीम 160R एक्सपीरियंस ऑन Instagram, टैगिंग @HeroMotorCorp एंड यूजिंग #boom वाली फीलिंग्स, एंड गेट चांस टू विन एक्सट्रीम मर्चेंडाइज एंड श्योर कपल मूवी वाउचर्स, ऑफर हैज बीन लिमिटेड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू ये बाइक अच्छी लगी होगी। कलर स्कीम जो है हीरो जो हमें प्रोवाइड कर रहा है स्टील 2.0 में, ये भी आपको पसंद आया होगा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।